तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आपका दोस्त विशाल और आप लोग देख रहे हैं विशाल बर्ड लवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग को तो पता है कि डीवॉर्मिंग जो होता है बर्ड्स के अंदर वॉर्म्स बहुत तरीके के होते हैं। जैसे हम आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं क्या क्या वॉर्म्स बर्ड्स के अंदर मिल सकता है। तो तीन तरीके का ये जो वॉर्म्स है बर्ड्स के अंदर होता है, मतलब होता ही है, कन्फर्म होता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं पहले कि बर्ड्स का डी आज का जो टॉपिक है बर्ड्स का डी वार्मिंग लेके है, आप लोगों को थंबनेल में दिख ही चुका होगा। तो फ्रेंड्स, डी वार्मिंग हम लोग बर्ड्स का क्यों करें या करना भी होता है, ये मतलब सब तो बोलता है कि हाँ डी वार्मिंग करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए ये जो है बहुत ही कम लोग बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो होते हैं वॉर्म्स जो होता है बहुत तरीके से जो बर्ड्स के अंदर जो है पहुंच जाते हैं। बर्ड्स के जो बेली है, बेली के अंदर बर्ड्स के अंदरूनी जो अंग है वहाँ पे जो है पहुँच सकता है और पहुँचता भी है। क्योंकि फ्रेंड्स जो होता है हम लोग जो फल या फ्रूट्स या दूसरा जैसे सॉफ्ट फूड होता है या पानी होता है, ये जो प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से धो के जो प्रोवाइड करें बर्ड्स को, लेकिन डेली बाई डेली हम लोग को देना पड़ता है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी कभी जो है हम लोग का जो खराब पानी भी चला जाता है, कभी कभी फल जो है थोड़ा सा धो के भी हम लोग दे देते हैं या सॉफ्ट फूड होता है मिट्टी वगैरह रह जाता है। तो फ्रेंड्स इसके कारण जो होता है जो वॉर्म्स होता है वो छोटे छोटे वॉर्म्स जो होते हैं बर्ड्स के पेट के अंदर पहुंच जाते हैं, और कभी कभी हम लोग जो है हम लोग के हाथ से भी पहुंचता है, क्योंकि हम लोग जो बाहर से आते हैं उस पर भी जो है वॉर्म्स जो है रहता है बाहर से आते हैं, तो हम लोग हाथ कभी धोते हैं कभी नहीं भी धोते और बर्ड्स के केज में चले जाते हैं, तो इससे भी जो है फ्रेंड्स जो बर्ड्स के अंदर जो है वॉर्म्स आ जाते हैं। और अगर ऐसे भी ना पहुंच पाए तो थर्ड कारण जो मेरे को लगता है फ्रेंड, जो बर्ड जैसे पोटी करते हैं या कुछ करते हैं तो उसको पोटी के अंदर जो केज में लगा रहता है उसमें भी वॉर्म्स जो मतलब जो उत्पन्न हो जाता है उसके उससे भी जो है वॉर्म्स बर्ड्स के अंदर आ सकता है फ्रेंड। तो बहुत तरीके से आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि बर्ड्स के अंदर वॉर्म्स आता है और ये गारंटी है हम लोग मेरा जो बर्ड्स का जो डीवॉर्मिंग है जो प्रोसेस है बहुत ही लाभदायक होता है और बहुत ही मतलब अच्छा होता है बर्ड्स के लिए। क्योंकि अगर हम लोग डीवॉर्मिंग ना कराएं बर्ड्स का तो फ्रेंड्स बहुत तरीके से हम लोग देखिए बर्ड्स खाना कम कर देता है, बर्ड्स का फर्टिलिटी जो रेट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है एग्स का, और बर्ड्स मर भी सकते हैं क्योंकि कम खाएंगे बर्ड्स, बर्ड्स का वेट कम हो जाएगा तो बर्ड्स मर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को फ्रेंड्स डीवॉर्मिंग करना बहुत ही जरूरी होता है बर्ड्स के लिए। एग्स का जो है साइज भी छोटा हो जाता है, एग्स कम भी हो जाता है अगर डीवॉर्मिंग ना करे तो, और अगर डीवॉर्मिंग करे फ्रेंड्स तो ये सब जो है इतने जो चीज़ें हैं हम लोग को बेनिफिट मिलेगा, एग्स जो है फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगा, एग्स बहुत सारे आएंगे बर्ड्स के अंदर और बर्ड्स जो है हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए बताते हैं आप लोग को कि डीवॉर्मिंग जो मैं करता हूँ या डीवॉर्मिंग हम लोग जो करते हैं वो कौन से टाइम में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग को डीवॉर्मिंग जो होता है ठंड के टाइम में ज़्यादातर करना चाहिए, या तो ठंड का जो ख़त्म होता है तब या ठंड का जो शुरू होता है तब, वो 6 महीने में एक बार हम लोग को डीवॉर्मिंग करना है। जैसे हम लोग जैसे एक बार जो गर्मी ख़त्म हुआ ठंड शुरू हो रहा है तब एक बार हम लोग डीवॉर्मिंग कर देंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट जो गर्मी चालू होगा तब हम एक बार जो डीवॉर्मिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे हम लोग को डीवॉर्मिंग 6 महीने बाद बाद करना है। तो डीवॉर्मिंग करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, डीवॉर्मिंग का जो प्रोसेस है फ्रेंड मैं जो करता हूँ, पहले 5 दिन जो होता है अपने बर्ड्स को जो है लीव 52 जो हिमालय का है लीव 52 वो डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो उससे ये होगा कि उसका जो लीवर है बर्ड्स का बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। पहले जो है एल्बेंडाजोल, जो एल्बेंडाजोल का जो जेंटल है वो जो है 2 दिन देना है हम लोग को, और इसका जो नाप होता है फ्रेंड्स वो 2 लीटर वाटर में 10 ml डालना है। एक बोतल जो आता है 10 ml का होता है, तो 2 लीटर जो वाटर है 2 लीटर वाटर में हम लोग को 10 ml डालना है एल्बेंडाजोल। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग को 2 दिन देना है लीव 52, फिर हम लोग को देना है आप लोग का जो भीमरल और ऑस्ट्रोबेट का जो मिश्रण होता है मिक्स करके देना है। खाली भीमरल दे दीजिएगा या खाली ऑस्ट्रोबेट दे दीजिएगा इससे नहीं होगा, तो भीमरल और ऑस्ट्रोबेट जो है आप लोग को 5 डेज देना है। तो 7 डेज का हिसाब मैंने बता दिया फ्रेंड्स, जैसे 2 दिन आप लोग को देना है आपका लीव 52, उसके बाद फिर दो दिन देना है आप लोग का जो एल्बेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल हो गया, और उसके बाद फिर आप लोग को लीव 52 2 दिन देना है, और नेक्स्ट जो 5 डेज है फ्रेंड्स उसमें आप लोग को देना है भीमरल और ऑस्ट्रोवेट। जो ये भीमरल और ऑस्ट्रोवेट जो है ये जो है सप्लीमेंट होता है, आप लोग देख पा रहे हैं भीमरल और ऑस्ट्रोवेट ये सप्लीमेंट होता है बर्ड्स के लिए, बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप लोग को बर्ड्स को जो प्रोवाइड करते हैं, और जो वाटर जो है
कब आप देंगे, मतलब आपका बजिस है तो इसका नाप क्या होगा, या 2 लीटर आप लोग जो पानी डालेंगे 2 लीटर का या 1 लीटर का, 1 लीटर होगा तो 5 ml दीजिएगा, 2 लीटर होगा तो 10 ml दीजिएगा, इससे उससे अगर कम होगा 1/2 लीटर होगा तो 5 2.5 ml दीजिएगा, 2 ml दीजिएगा, ऐसे करके आप लोगों को हिसाब करने करके आपने बर्ड्स के मुताबिक आप लोगों को प्रोवाइड करवा देना है बर्ड्स के केज में। और ये जो होता है, ये जो प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, ये आप लोगों को सुबह को वाटर में डालना है, मतलब रात में आप लोगों को पानी और जो है अपना सॉफ्ट फूड या सीड्स वगैरह सब निकाल देना है। जब पानी है, जब बर्ड्स बहुत ही प्यासा रहेगा तब आप लोग को सुबह में ये जो डीवॉर्मिंग के जो प्रोसेस है, डीवॉर्मिंग का जो पानी है आप लोग को देना है, फिर आप लोग निकालिएगा उसको दोपहर के 3 बजे, ठीक है फ्रेंड, दोपहर के 3 बजे निकाल के आप लोग नॉर्मल वाटर प्रोवाइड करवा दीजिएगा। और ये जो डीवॉर्मिंग का प्रोसेस जो चलेगा जितना दिन, मतलब 10 दिन या 12 दिन जितना दिन चलेगा, तब आप लोग को सॉफ्ट फूड और जो अपना जो है फल या साग जो है बहुत ही कम देना होगा, क्योंकि इसमें जो है पानी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर ये फल फ्रूट्स ये सब खा लेंगे आपके बर्ड्स, तो इससे ये होगा कि जो आप लोग का डीवॉर्मिंग का जो पानी है वो नहीं पिएंगे, तो आपका फिर वो जो डीवॉर्मिंग का प्रोसेस है बहुत ही गड़बड़ा जाएगा और बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। फिर आप लोग कमेंट्स बताइए कि डीवॉर्मिंग तो काम ही नहीं करता, तो इसलिए मैं बता दिया फ्रेंड्स आप लोग का प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक कैसे आप लोग को बर्ड्स को देना है, कैसे बर्ड्स को प्रोवाइड कराना है, कितना ml देना है, कितना उसका जो क्वांटिटी है, कैसे टाइप का बर्ड्स के लिए कैसे देना है, सब कुछ मैं आप लोगों को बोल दिया। और ये जो है फ्रेंड्स आप लोग के जब बर्ड्स के में जो है अंडा ले करेगा, बच्चा उठा देगा, उसके बाद ही आप लोग को देना है। अगर पेट में अंडा रहा तब आप लोग नहीं दीजिए, क्योंकि ये एक प्रकार का पॉइजन होता है, एल्बेंडाजोल बोलिए या दूसरा लिपिप्रोटी ये सब बोलिए, एक प्रकार का पॉइजन होता है, तो इससे जो है पेट में जो है अंडे जो है अनफर्टाइल हो सकते हैं, मर सकते हैं बच्चे, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आप लोग ठंड के टाइम में प्रोवाइड करेगा एक नंबर, और दूसरा जो है अपने बर्ड्स जो पेट में एग नहीं होगा, जब तुरंत ही आपका बच्चा जो है निकला है उसके बाद, मतलब बच्चा का जो फीड नहीं करवा रहा है मदर या फादर, तो तभी आप प्रोवाइड करेगा, अपने केज निकाल लीजिएगा बच्चे को, उसके बाद प्रोवाइड करेगा, या नया जोड़ा जो है उसको प्रोवाइड करेगा, ऐसे आप लोग प्रोवाइड करवाएगा अपने बर्ड्स को। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो यही तक था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल का जो है ऑल का जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए टाटा बाय बाय, आज का वीडियो यही तक था।